आई थिंक वी आर लॉस्ट मैन. मुझे समझ नहीं आ रहा कि माता हो क्या रहा है. दो घंटे हो गए हैं यहाँ पे एक ही जगह पे वेट करते हैं. कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं. किसी ने क्रॉस भी नहीं किया है, किसी को देखा नहीं है हमने. लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि हम किसी डेस्टिनेशन पर निकले और हम नहीं पहुंचे. वी हैव काइंड ऑफ लॉस्ट आवर वे आउट. हर सड़क एक जैसी लग रही है. फोन्स आर नॉट वर्किंग. कुछ सिग्नल ही नहीं मिल रहा. आगे क्या होने वाला. आई एम जस्ट ब्लाइंड. Hi, my name is Akshay Kapoor. I'm 27 years old. मेरा फैमिली बिजनेस है एंड आई टेक केयर ऑफ इट. फिएट एडवेंचर का जो मैंने लिवर लाइफ कॉन्टेस्ट भरा था, आई वॉन इट यार. आई वॉज सुपर एक्साइटेड. मैंने कहा अब मैं फतेह का फोन करता हूँ. उसने मुझे इस ट्रिप के लिए प्रॉमिस किया था कि अगर मैं ये कॉन्टेस्ट जीत गया तो वो चलेगा ही चलेगा. वो कुछ भी मैनेज करे, कैसे ही मैनेज करे, उससे मतलब नहीं. तो उसका कॉल आता है कि यार चल नीचे आ जा. मैं आराम कर रहा हूँ. मैंने बोला चल ठीक है मैं आता हूँ. मेरे को पता था कोई ना कोई तो नया प्लान ये बना के आया होगा. तो मैं थोड़ा रिलक्टेंट था नीचे गया. भाई साहब नहीं गाड़ी में बैठे तो बाहर निकलता है एक लेटर पकड़ा दी मेरे को. मैंने लेटर पढ़ी. ओह शिट, ये तो वही कॉन्टेस्ट की लेटर और ये जीत गया है. देन ही इज लाइक चल भाई हम रोड ट्रिप पे निकल रहे हैं. जब फतेह नीचे आया तो हम दोनों ने बाइसिकल को एडवेंचुरा की सॉलिड रूफ रेल पर रिग किया. द नेक्स्ट थिंग आई नो वी वर ऑन द रोड. बॉम्बे से हमने डिसाइड किया राजमाची एक जगह है अराउंड 100-150 किलोमीटर दूर. तो एक्चुअली हमारी 9th ट्रिप है एक साथ. इससे पहले हम ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग कर रखी है, मंजी जंपिंग कर रखी है एंड देन इवन लैंसडाउन में रैपलिंग कर रखी है. नेक्स्ट ईयर वी हैव प्लान टू गो फॉर स्काई डाइविंग आल्सो. जो नेक्स्ट ईयर पक्का गो. तो अभी हम जा रहे हैं राजमाची की तरफ. यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है तो GPS में हमें मार्क किया है और 2-3 लोगों से पूछ भी लिया है. और अब हम वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है. आराम से यार रोड तो देख. रुके तो रोड है. टू मेनी स्टोन्स ब्रो. बट टेंशन मत ले मेरे भाई. ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है यार. कोई पॉट होल्स कोई गड्ढा सा फर्क ही नहीं पड़ता गाड़ी को. तो देखिए ना क्या चल रही है. समझ नहीं आ रहा कौन सा रास्ता ले. इतना कंफ्यूज हो चुका है. बाबा जी तो कभी इधर कह रहे हैं कभी उधर कह रहे हैं कभी उधर. कभी कहते हैं कि इस तरफ है. दोबारा पूछोगे तो उस तरफ है. मिला? देख यार ढंग से देख मिल जाएगा भाई. यार नहीं मिल रहा यार. कितनी बार तो चेक कर लिया मैंने. आई थिंक वी आर लॉस्ट मैन. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मजा हो क्या रहा है. दो घंटे हो गए हैं यहाँ पे एक ही जगह पे वेट करते. कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं. किसने क्रॉस भी नहीं किया है, किसको देखा नहीं है हमने. फोन्स आर नॉट वर्किंग. कुछ सिग्नल ही नहीं मिल रहा. फिर एंड में मेरा दिमाग काम किया. यार एडवेंचरा में देख कि कंपस था जो मैंने मेरे को स्ट्राइक किया था. हम दोनों गाड़ी टूवर्ड्स भागे. जैसे ही हमने गाड़ी ऑन करी कंपस वॉज वर्किंग. दोनों की जान में जान आई. कंपास पे अब हम वेस्ट डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हम वहीं से एंटर किए थे. सो इट्स टाइम टू फाइंड अ वे बैक नाउ. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. फाइनली वी आर आउट ऑफ दैट जंगल. 3 घंटे में भटकने के बाद वी आर फाइनली आउट ऑफ इट. अगर ये कंपास नहीं होता ना तो जंगल से हम बाहर ही नहीं निकल पाते. वहाँ पे रोड्स इतनी खराब थी तो हमें लगा गाड़ी की तो बैंड बज गई होगी. बट स्किड प्लेट्स की वजह से एक स्क्रैच नहीं है यार गाड़ी पे. मेन रोड पे पहुंचे. मेन रोड से हमने सोचा कि राजमाची छोड़ो पावना लेक जाएंगे. And now finally we are on our way. Are on our way to the camping site. Camping तो करके रहनी है. Cycling भी करनी है. दोनों बाइक छोड़ेंगे. हम घर नहीं जाएंगे ऐसे. जैसे हम पावना लेक पहुंचे, it was so beautiful, man. आप imagine नहीं कर सकते वो जगह क्या थी. जन्नत थी literally. तो हमने ये discover किया कि ये जो सीट्स हैं पूरी कोलैप्स हो जाती हैं. तो इसमें इतना सामान आ सकता है कि दो बंदों का नहीं पूरी फैमिली का सामान आ जाएगा.
ये पूरा ट्रिप मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग ट्रिप था, फुल ऑफ सरप्राइजेस। सुबह मैं अपने घर पे बैठा हुआ बोर हो रहा था और शाम को आई एम लैंडेड ओवर हियर। मैं और फतेह बहुत खुश है बिकॉज वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज व्हाट एवर वी वॉन्ट टू डू वी विश टू डू हमने वो कर लिया। एक सीख मेरे को आज जरूर मिली है, इवन व्हेन यू आर लॉस्ट इन लाइफ यू कैन स्टिल डिस्कवर एंड रीडिस्कवर योरसेल्फ एंड ऑल्सो लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स अबाउट लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर एडवेंचर टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू अस एंड टू अक्षय। वो कॉन्टेस्ट जीता उसको बहुत खुशी हुआ, आई नो इट हाउ हैप्पी ही इज। एंड देन ऑफकोर्स थैंक यू सो मच अक्षय, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड जस्ट बिकॉज ऑफ यू वी आर हियर टुडे। आई रियली वॉन्ट टू थैंक फॉर एडवेंचर कि उस कॉन्टेस्ट की वजह से लिव अ लाइफ आई एम रियली फीलिंग अ लाइफ एंड आई कैन फील कि मेरा दोस्त मेरे पास है और मैं दोबारा से रिकनेक्ट उसी तरह कर रहा हूँ जैसे पहले करता था। अगर ये कॉन्टेस्ट ना होता और अगर मैं ये ना जीतता तो मैं बहुत रिग्रेट करता। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव सच अ गुड फ्रेंड एंड सच अ लवली पार्टनर फॉर एडवेंचर।